अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है, हम सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री की 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर 16 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम 7th चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल में तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 7th चैप्टर, तो हम पहले 7th चैप्टर पढ़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सेकंड ईयर के पेपर का जो कंटेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा पोर्शन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है। मीन 7th चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक जो चैप्टर्स हैं, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन होता है पेपर के अंदर। इस वजह से दूसरा यह है कि इसे थोड़ा ही ट्रिकी होती है, इसे अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, इसका पोर्शन ज़्यादा है बुक के अंदर, तो इसे पहले पढ़ाया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर से। 7th चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसके अंदर देखते हैं, ये एक ओरिएंटेशन है, इसमें जस्ट बताया जा रहा है कि क्या क्या होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसके जब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश किस बेस पे करते हैं, उसके दो बेसिस पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं। द फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ओरिजन की बेस पे हम कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका ओरिजन नॉन लिविंग या फिर मिनरल सोर्स होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनका ओरिजन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोस्टली बोर्ड के पेपर में आता है। इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके साथ साथ क्या क्या रीज़न थी जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई, तो वो रीज़न ये है कि केमिस्ट जो है वो फेल होते रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। मीन्स फेलियर ऑफ केमिस्ट इन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बैकग्राउंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली, जब केमिस्ट बार बार फेल होते रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में, तो इस चीज़ की वजह से उनका ये बिलीव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कभी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स को से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी इन ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, और इस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। मीन्स इसके दो मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो ये सिंथेसिस, देखते हैं हम इसे एक इक्वेशन की शक्ल में देखें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना चाह रहे थे लेकिन ये रिएक्शन नहीं हुआ, इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ कि इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बने, तो ये कॉन्सेप्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी। द नेक्स्ट वन इज़ रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई तो उसे किसने रिजेक्ट किया? फ्रेडरिक वोलर ने। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया, तो फ्रेडरिक वोलर वॉज द पर्सन रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। एक्चुअली क्यों इसने रिजेक्ट किया? क्योंकि इसने यूरिया सिंथेसाइज कर लिया था। यूरिया का फार्मूला है NH2 2CO, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब है ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उसने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बनाया था? फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CNO, जबकि अमोनियम साइनेट का ओरिजन जो है वो मिनरल था। इसका मतलब है कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का बनाना तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अगेंस्ट था। इसलिए फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट की, क्योंकि वो कामयाब हो गया था इस रिएक्शन को कराने में, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास NH4CNO इनऑर्गेनिक है और इससे हम बना रहे हैं यूरिया जो कि है ऑर्गेनिक। रिएक्टेंट है अमोनियम साइनेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोडक्ट है यूरिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें दोनों एक दूसरे से ऑब्टेन हो सकते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल था, लेकिन एक्चुअली सिंथेसिस जो है वो यूरिया की गई थी अमोनियम साइनेट से।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, मींस इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद, वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्ट होने के बाद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी, चेंज हो गई क्या, उसमें चेंज आया। मॉडर्न डेफिनेशन क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट लेड टू द प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हुआ, जब अमोनियम साइनेट से पहली दफ़ा यूरिया बनाया गया लेबोरेटरी में, तब वाइटल फोर्स थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्ट हुआ, तो इसके साथ साथ ही साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पे और उनके एनालिसिस पे। तो उन्होंने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए और उन्हें एनालाइज किया लेबोरेटरी में, मीन्स उन्हें टेस्ट किया। तो इसके साथ साथ चेक की गई, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन, किसी भी आप सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ की कंपोजिशन क्या है। तो इससे इस तरह से केमिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन को चेक किया, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो थे उनके अंदर कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद था। कार्बन के साथ साथ बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनमें हाइड्रोजन भी मौजूद था, और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी मौजूद थे किसी किसी कंपाउंड के अंदर। तो इस कन्वेंशनल रीजंस की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हालांकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम केमिकल फार्मूला रखता है, थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है। कार्बोनेट्स को समझाने के लिए ये देखें, मैंने इनको डिफरेंट कलर रखा है। एक्चुअली कार्बोनेट होता है CO3-2-, लेकिन ये पूरा कंपाउंड आपके सामने रख दिया है सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ साथ बाईकार्बोनेट, तो बाईकार्बोनेट जो है वो बाईकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-1-, लेकिन वो 1- को Na+ कैंसिल कर रहा है, तो ये हमारे पास सोडियम बाईकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कहते हैं कि कुछ कन्वेंशनल रीजंस की वजह से ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कार्बन भी मौजूद है, एज एन एसेंशियल एलिमेंट मौजूद है, इसके लास्ट वन के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये सारे के सारे कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पे स्टडी किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट विल बी द मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, और उनके डेरिवेटिव्स, मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोहेक्सेन, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। एक्चुअली ये जो कार्नर्स हैं ये सारे के सारे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन के हमें पता है कि 4 बांड होते हैं, 2 बांड जहाँ पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी मौजूद होंगे उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ पिरिडीन, आप मैट्रिक में भी ये फार्मूलाज पढ़ के आते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है और साथ नाइट्रोजन भी है। थायोफिन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके साथ साथ सल्फर भी मौजूद है। फ्यूरॉन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है। इस जैसे मैंने पीछे डेफिनेशन की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद होंगे, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिखाई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ताकि आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाए और मेमोराइज हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर डिफाइन कर ही लिया, तो हम उनके कुछ फीचर्स भी पढ़ते हैं, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक बात याद रखिएगा, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फीचर्स के अंदर पहला फीचर है पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो कार्बन की पेकुलियर नेचर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स हैं। तो वो पेकुलियर नेचर कार्बन की क्या है, इट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो अपने जैसे दूसरे एलिमेंट मीन्स बाकी कार्बन के साथ कंबाइन कर जाता है, लिंक करता है, और लिंकेज के नतीजे में लॉन्ग चेन्स बनाता है। और वो लिंकेज करता कैसे है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस तरह बॉन्ड्स बनाते बनाते या तो वो कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन्स बनाना शुरू कर देता है, या फिर उस
से हमारे पास रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बन सकते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं लाइक बेंजीन। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। तो देखें कार्बन एक कार्बन दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, नेक्स्ट 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 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मीन्स अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा है। द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज साइक्लिक रिंग। ये देखें ये है वो साइक्लोहेक्सीन जिसको पीछे आपने उस फॉर्म में देखा है, तो अब आप इसे इस फॉर्म में देखें जहाँ पे आपको एलिमेंट्स भी शो किए गए हैं। तो यहाँ पे देखें हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है और ये सारे कार्बन लिंक होकर बना रहे हैं आपके पास साइक्लिक रिंग। उसके साथ नेक्स्ट देखें आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है और क्लोज्ड चेन भी हो सकती है। मीन्स आपके पास डिफरेंट तरह के कार्बन हर जगह पे कार्बन लिंक करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो ये जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसे कैटिनेशन कहते हैं। अब इस कैटिनेशन का फ़ायदा क्या है? ये कैटिनेशन का फ़ायदा है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और उस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का नाम है कैटिनेशन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? नॉन आयोनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक करेक्टर नहीं पाया जाता, नॉन आयोनिक करेक्टर होता है। नॉन आयोनिक करेक्टर को दूसरे लफ्ज़ों में कोवलेंट करेक्टर भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कोवलेंट इन नेचर होते हैं, इस वजह से ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते। आप फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि आयोनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कि एक आयन एक का कैटाइन दूसरे के एनायन के साथ फ़ौरन जाकर लग जाता है, उसका एनायन इसके कैटाइन के साथ, मीन्स वो आयन रिप्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर होते हैं। इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे आप देखें, क्योंकि आप एक को एक चीज़ पता होनी चाहिए, आयोनिक बॉन्ड हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है, उसे हमेशा चार्जेस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी भी सॉलिड लाइन की मदद से आयोनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जबकि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन की मदद से बॉन्ड शो किए हुए ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, नॉन आयोनिक सब्सटेंस के अंदर सारी की सारी जो केमिकल बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो आप पहले भी जानते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फर्स्ट ईयर के सिक्स चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा था आपने। उसके बाद हमारे पास है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। मींस क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिमिलर भी होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं? एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जाता है, और आपको पता है कि रिलेशनशिप से सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे बहन भाई में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनकी शक्ल मिलती होती है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ एग्जिस्ट करती हैं। एडवांटेज क्या है जी? मेक इज़ इट टू द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली होमोलोगस सीरीज़ के एग्जिस्ट करने की वजह से हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमने पीछे पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस की तादाद में हैं, तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल था। उसके लिए होमोलोगस सीरीज़ बनाई गई, और होमोलोगस सीरीज़ की वजह से इन कंपाउंड्स की स्टडी बहुत आसान हो गई। होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनके अंदर कार्बन एटम मौजूद होते हैं, सीरीज है, लेकिन एक चेन दूसरी चेन से डिफरेंट होती है। किस बेस पे? क्योंकि उसके पास एडिशनल CH2 ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, आर द पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसे मैं एग्जांपल की मदद से शो करती हूँ। ये देखें जी, पहले में मीथेन है, टोटल CH4 है, लेकिन अगले में देखें CH3 हो गया, लेकिन नेक्स्ट में आप इथेन से प्रोपेन में जाएंगे तो देखें CH3 दोनों साइड पर रह गए, दरमियान में एक CH2 आ गया। प्रोपेन से आप ब्यूटेन में जा रहे हैं तो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट को छोड़ दें, देखें पहले दोनों के सेंटर में एक CH2 था, यहाँ पे आके दो CH2 हो गया, मीन्स एक CH2 एडिशनल हो गया। जैसे इस इथेन से प्रोपेन में आते हुए एक CH2 एडिशनल था, इसी तरह ब्यूटेन में आते हुए फिर एक CH2 ऐड हो गया। इसी तरह पेंटेन में चेक करें, आप टर्मिनल्स को छोड़ दें तो दरमियान में तीन CH2 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब है कि ब्यूटेन से पेंटेन में आते हुए तीन CH2 ग्रुप्स हो गए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं बहुत क्लियर कट, इथेन से लेके पेंटेन में जाते हुए हर दफ़ा आपके पास एक CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है। तो ये है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़, मतलब सबसे छोटा मीथेन है, मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मीथेन और इथेन में ये केस नहीं होता, लेकिन उसके बाद जितनी भी हायर सीरीज है उनमें CH2 ऐड होता जाता है। हेक्सेन कर लें, हेप्टेन कर लें, ऑक्टेन कर लें, नेक्स्ट जितना भी आप चलते जाएंगे CH2 एक एक ऐड होता जाएगा।
उसके बाद है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देख लें आप जनाब, आपके पास ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का, ये है सुक्रोज का। मैथ्स वाले बच्चे शायद घबरा जाए, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स ने तो फर्स्ट ईयर में बायो में सेकेंड चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का है, ये सुक्रोज का है। हमारे पास जो शुगर्स होती हैं ना, सुक्रोज हमारी टेबल शुगर है, जो हम घर में आमतौर पर चीनी खाते हैं उसका फार्मूला सुक्रोज है। ये जो इतना लंबा सा आपको बड़ा सा फार्मूला नज़र आ रहा है, ग्लूकोज भी आपने देखा होगा, ग्लूकोज पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसे हम डाइट में यूज़ करते हैं, फ्रक्टोज भी। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो करते हैं कि कार्बन जो है, क्योंकि हमें पता है, हम स्टार्ट में पढ़ के हैं कि ये कार्बन जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद है, कोई और चीज़ तो नहीं है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी इन्हें असाइन करती है। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूलाज हैं। एक्चुअली ये क्या है आपके पास, ये है एक अमाइड लिंकेज, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है जनाब, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप और ये है NH2 ग्रुप। एक्चुअली ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, फ्लैश गोश्त जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, उनमें ये अमाइड लिंकेज मौजूद होता है, सी डबल बॉन्ड ONH। लेकिन इन्हें आपको इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ बाय नेम याद रखना है कि प्रोटीन्स के अंदर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज और सक्रोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है प्रोटीन्स के अंदर। उसके साथ साथ जनाब ये आपको यहाँ पे शो किया है कि ये पेप्टाइड लिंकेज है, सी डबल बॉन्ड और NH, दैट्स इट, कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑब्वियसली हम फीचर्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी और फीचर का नाम, किसी और प्रॉपर्टी का नाम आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म इज़ अ फिनोमेना इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं, द फर्स्ट वन इज़ वन प्रोपानोल, यहाँ पे देखें CH3CH2CH2OH, ये है एन प्रोपानोल, क्योंकि एन मतलब नॉर्मल चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है। यहाँ पे देखें आप CH3CH3 और सेंटर वाला जो है उस पर OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप काउंट करें तीन कार्बन है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी तीन कार्बन है। हाइड्रोजन्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, नीचे काउंट करें, और ये OH वाला एक 8, लेकिन इसे छोड़ दें फिलहाल, 3 and 3 6 and 7, तो 7 ही हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि और एक OH फर्स्ट में मौजूद है, एक सेकंड वाले में मौजूद है, तो यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ऊपर और नीचे, 1 प्रोपानोल और 2 प्रोपानोल के अंदर, तो फ़र्क क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला का डिफरेंस है, क्योंकि OH की पोजिशन डिफरेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। उसके बाद आपको दो एग्जांपल्स दी गई हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 कार्बन, चार ही हैं, लेकिन इस चौथे कार्बन वहाँ पे स्ट्रेट चेन में था, यहाँ पे एज अ ब्रांच चौथा कार्बन मौजूद है, और इनके साथ लगे हुए मिथाइल ग्रुप्स भी, हाइड्रोजन्स भी आप देख सकते हैं इधर, 3 and 3 6 and 3 9 and 1 10, तो यहाँ पे भी आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला भी C4H10 है, आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला भी C4H10 है। मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। उसके बाद अगली एग्जांपल है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा, मीन्स ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये अल्केन्स हैं, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ है, एक्चुअली आप देखें कि पहली एग्जांपल है आपके पास इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C2H6O, मींस दोनों केसेस में ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं दोनों में कार्बन दो ही हैं, एक और दो, और हाइड्रोजन छः ही हैं ऊपर और नीचे दोनों जो कप आप देख सकते हैं, और एक ऑक्सीजन है, लेकिन क्या हुआ है कि पोजीशन चेंज होने की वजह, कुछ अरेंजमेंट एटम्स की चेंज होने की वजह से, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से एक अल्कोहल बन गया और एक ईथर बन गया। तो नेक्स्ट वन इज़ रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रेट जो है वो काफ़ी स्लो होता है, आपने पीछे पढ़ा कि ऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स का कम होता है, तो हम देखते हैं क्यों कम होता है। तो यहाँ पे यील्ड भी लो होती है, मीन्स आप 100% तो प्रोडक्ट वैसे भी ऑब्टेन नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मोस्टली यील्ड बहुत लो होती है।
हम लोग जब खुद लैब में प्रैक्टिकल्स करते थे तो बहुत कम यील्ड आती थी, इवन कभी कभार रिएक्शन कार्य होते थे। तो आई रिमेम्बर के जब मैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस करती थी तो 40% यील्ड आ रही होती थी, 30% भी इवन यील्ड आती थी। तो बड़ा मतलब लगता था कि नहीं, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, आउटपुट उतनी नहीं है, लेकिन इनकी यील्ड होती ही कम है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो रीजंस क्या होती हैं, कुछ हमारी गलतियां होती हैं, लेकिन एक्चुअली जो रीजंस होती हैं लो यील्ड के पीछे वो हैं मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे देखें आप, आपने क्या करना है, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे आपने कन्वर्ट करना है, ये आपका रिएक्टेंट है एक्चुअली ब्रोमीन वाला, और प्रोडक्ट के अंदर देखें ब्रोमीन की जगह पर OH लगाना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये आपको बाद में आपको डिटेल में समझाया जाएगा 10th चैप्टर के अंदर कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि पहले स्टेप में ब्रोमीन उतर रहा है और अगले स्टेप में हाइड्रोक्सिल लग रहा है। मतलब एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और अगले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो एक्चुअली ये ही चीज़ है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देती है। तो इस तरह से हम एक और मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें पहले में ये ब्रोमाइड उतरा तो ये हमारे पास बन गया, फिर नेक्स्ट में साइनाइड आया तो यहाँ पे लगा। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता, ये रिएक्शन ऐसे होता है। ये है हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन की एग्जांपल्स, ये 10th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ये होता है कि कभी कभार अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तो ब्रोमाइड, जिस स्टेप में ब्रोमाइड उतरता है उसी में साइनाइड आकर लगना शुरू हो जाता है, और लास्ट वन स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। तो एक्चुअली ये करेक्ट रिएक्शन है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन वगैरह के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो अब नॉन पोलर सॉल्वेंट की पहली एग्जांपल है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, तो उसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नाम इसका पेट्रोलियम ईथर भी इसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी पिक्चर भी एक बॉटल फॉर्म, ये हमारे पास लैब में इस शक्ल में मौजूद होता है। उसके बाद बेंजीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और वाटर पोलर सॉल्वेंट है, जबकि ईथेन जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि ईथेन क्योंकि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ईथेन कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, या तो वो बेंजीन में डिसॉल्व होगा या फिर पेट्रोलियम ईथर में। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमारे पास इस लेक्चर में से किस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन पहले बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसे रिजेक्ट क्यों किया गया, किसने रिजेक्ट किया, और इवन वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और उसकी रिजेक्शन पूरी डिटेल लिखें। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वो है पेकुलियर नेचर, सॉरी सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन उसके अंदर अलग अलग से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं कि कैटिनेशन क्या है एक्सेट्रा जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद आप वोलर्स वर्क की इम्पॉर्टेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बताएं, तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं साइक्लोहेक्सेन, पिरिडीन, फ्यूरॉन, इन सब के स्ट्रक्चर्स मैंने पीछे आपको दिखाए हैं। वोलर्स के वर्क के नतीजे में हुआ यह था कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। तो अब ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, एक्चुअली हमारे जितने भी बायो मालिक्यूल्स हैं, बायो मालिक्यूल्स कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं जिससे हमारा फ्लैश बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। तो ये चारों के चारों बायो मालिक्यूल्स की क्लासेस हैं, इन सब के सबको ऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता है क्योंकि इन सब के अंदर बेसिक एलिमेंट कार्बन है। डू वट इज़ राइट नॉट वट इज़ ईजी, वो करें जो ठीक है ना कि वो करें जो आसान है। गुड बाय स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर वाइंड अप किया। लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट इस वजह से है कि आपको इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास रोज़ एक फ्लावर है, तो आपके पास रोज़ की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है और इसका कलर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोज़ का कलर किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से है और रोज़ की खुशबू किन कंपाउंड्स की वजह से। तो यहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।